शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जिस दिन मुझे लगेगा कि उसको बताना है तो एक पल की भी देरी नहीं करूंगा। फौरन उसे बता दूंगा कि वो कहीं और नहीं, अपने पिता के घर में ही पली बड़ी। मैं कौन सा उससे उसकी जिंदगी मांग रही हूँ? मैं तो बस 90 दिन के लिए यश से शादी करने के लिए कह रही हूँ। ऋचा से प्यार का इतना दम भरती है तो क्या ऋचा के लिए इतना नहीं कर सकती आपकी वो बेटी जैसी अंजलि? जो आप चाहती हैं हम करने को तैयार हैं। मैं सबको सब कुछ बता दूंगी। मैं अंजलि दीदी को नहीं मरने दूंगी। पल्लो चल जल्दी से तैयार हो जाते हैं, नहीं तो जिया जी का फोन पे फोन आने लगेगा। लौट कर देखेंगे क्या करना है इसका। बिहारी जी छूट ना बुलवाएं, एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे, सारा मेकअप खराब हो गया। जल्दी आ। कोई ना कोई रायता फैलाते ही हो। अंजलि तुम ठीक हो ना? अंजलि बिटिया चोट लगी क्या? कुछ नहीं लाला जी, वो हम आ रहे थे ना तो पैर मुड़ गया था, लेकिन अब हम बिल्कुल ठीक है। थैंक यू यश जी। धन्यवाद यश बेटा। वो पंडित जी कह रहे हैं कि लाइट आने तक जो है वो शादी की रस्में शुरू नहीं होंगी। बेटा तू अपने कमरे में बैठ, हम तुझे बुला लेंगे। अच्छा ये मोमबत्ती लेके जा। यश जी आप मेरे साथ आइए। अच्छा बेटा। अरे हिमांशु मेरा पता कर बिजली का कब तक आएगी? हाँ मैं जनरेटर देख के आता हूँ। बेटा तू बैठ यहाँ पे ना। जी मैं आता हूँ। अभी तक तो शादी की रस्में भी शुरू नहीं हुई।
ये झमेले शुरू हो गए। चिंता मत करो उमा भाभी, चाहे जो भी हो जाए ये शादी तुम्हें करवा के ही रहूंगी। यमराज भी आ जाएंगे ना तो उन्हें बोलूंगी बगल में बैठ कर देखो ये अनोखी शादी। शादी संपन्न हो जाए साथ ले जाना इस अंजलि को। शादी हो गई क्या? दिखाई नहीं दे रहा, लाइट चली गई है। और पंडित जी ने कहा है कि जब तक लाइट नहीं आएगी ना वो रस्में शुरू नहीं करेंगे। कहीं भीतर में जाकर बैठ गया था, इतनी देर से पहुंचा। अरे तैजी क्या बताऊं, पल्लो को पता चल गया है कि जो भी लड़की यश से शादी करेगी वो 90 दिन के अंदर मर जाएगी। वो तो अंजलि की शादी रुकवाने यहाँ आ रही थी। अरे बड़ी मुश्किल से उसके हाथ पैर बांध के स्टोर रूम में बंद करके आया हूँ। हे भगवान, बस किसी तरह से ना ये शादी हो जाए बस। और किसी की नहीं, सिर्फ हमारे घर की लाइट गई थी। मैंने फ्यूज चेक किया, पूरी तरह जल गया था। ये भी आज ही होना था। वैसे मैंने इलेक्ट्रिशियन को फोन कर दिया, वो थोड़ी देर में आता ही होगा। जनरेटर भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, लगता है तेल खत्म हो गया। शायद ही लाइट जाती है कभी, इसलिए ध्यान ही नहीं गया उस तक। पता होता तो तेल भरवा के रख लेते। इमरजेंसी लाइट जला के शादी करा देते हैं। एल्सा कैसी बात कर रही, इमरजेंसी लाइट जलाकर कौन शादी करता है? भाभी वो इलेक्ट्रिशियन आ रहा है, फ्यूज ठीक कर देगा। नहीं हिमांशु, हमारे पास दिवाली वाले दिए स्टैंड है ना, जब तक फ्यूज ठीक नहीं होता है तब तक दिए जला लेते हैं। हाँ। क्यों माजी? ठीक चल हिमांशु।
सवाल के? पैर मुड़ गया था ना तेरा, दर्द हो रहा होगा? नहीं, इतना दर्द नहीं है भाई। कौन सा पैर है? माई नहीं, बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले ही संभल कर चल। हम जानते हैं भाई, भले ही ये शादी 90 दिन के लिए हो रही हो, लेकिन हमारे जाने के बाद आप हमें बहुत याद करोगी, है ना? क्यों याद करेंगे तुझे? अभी अभी तूने कहा ना कि सिर्फ 90 दिन की तो शादी है, तो क्यों याद करेंगे? लेकिन इस 90 दिन में भी हमें आपकी बहुत याद आएगी माई, बहुत याद आएगी। किसी भी तरह अंजलि दीदी को रोकना होगा। यश भैया से उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। इसके पहले कि आप कोई और पंगा हो चीची, किसी तरह ये शादी नहीं पड़ जाए बस। पता नहीं ये लाइट कब आएगी। क्या करूं? कैसे पहुंचूं अंजलि दीदी के पास? अगर यहां से गई तो ये करुणेश मामा कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी जरूर करेंगे। हे भगवान, किसी ना किसी तरीके से अंजलि दीदी तक जाना होगा। कैसे जाऊं?
अंजलि पल्लव की बच्ची तो यहाँ भी पहुंच गई। काफी रोशनी हो चुकी है, हम लोग शादी की रस्में शुरू कर सकते हैं। अंजलि, अंजलि, अंजलि जल्दी आ जा। चल। चला है क्या? क्या हुआ? माए, हमें लगा कि बाहर कोई है। अरे कौन होगा? चल अंजलि, तुझे यूं ही लगा होगा। माए बस एक बार देख लेते हैं ना। बहू जी कब से बुला रही है तुझे, चल ना। माए पक्का कोई छत की तरफ गया है, हमें लगता है कोई चोर होगा, हम अभी देख कर आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। अंजलि, अंजलि सुन। क्या कर रही है वहाँ मंडप पे? सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। माई बस दो मिनट, हम अभी देख कर आ जाएंगे, बस दो मिनट। किशोरी, अंजलि कहाँ है? कह रही थी कि छत पे उसने किसी को जाते हुए देखा है। किसी को देखा? सुबोध, चलो हम भी देखते हैं। घबरा मत, घबरा मत। हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे, बस तू एक बार आकर, तू किसी के सामने अपने मुंह नहीं खोलेगी। हाँ नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती मामा। पूनम की तरह अंजलि दीदी को नहीं मरने दूंगी मैं। पलो, पलो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको उम्र कैद की सजा दिलवा कर रहूंगी कंस मामा। पलो देख, आखिरी बार समझा रहा हूँ, देखो मुहूर्त करेगी तो बहुत पछताएगी। पलो आखिरी बार समझा रहा हूँ तुझे। बिहारी जी झूठ ना बुलवाएं, किसी को पता चल गया तो बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। अरे अब क्या हो गया, किसे क्या पता चल जाएगा? अरे बहुत गड़बड़ हो गई उमा जी जी, बस पूछो मत। तेरा पेट खराब है क्या? नहीं ताई जी, खबर सुनोगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। अरे पल्लो स्टोर रूम से छूट कर यहाँ पहुँच गई है। गुलकंद के पापा गए हैं उससे रोकने, लेकिन अब अंजलि भी मंडप में आने के बजाय उधर ही चली गई है। और तो और सुबोध भाई सब भी मां छोटी की साथ से तरफ गए हैं। जरा सोचिए, बोल खुल गई तो क्या होगा हम सबका। अलका इधर आ, अलका भाभी
क्या हो गया अलका रानी? मोर्चा संभाल ले वरना पासा पलट जाएगा। अरे अलका भाभी कसम हो गया, पल्लव यहाँ पहुँच गई है और अंजलि को शक हो गया कि कोई छत की तरफ गया और वो उसके पीछे पीछे ऊपर गई है। और तो और उसके पीछे पीछे सुबोध भाई साहब और हिमांशु जी भी ऊपर ही गए हैं। और अगर पल्लव ने कुछ बता दिया तो ये शादी में बार बार रुकावटें आ रही हैं। जब तक ये शादी नहीं हो जाती ना तब तक हम चैन की सांस नहीं ले सकते। ताई जी आप यहाँ रुको, मैं और उमा भाभी ऊपर जाके संभालने की कोशिश करते हैं। चलो तू जितना कहेगी ना उतना मिलेगा तेरे को, मुंह बंद रखना पल्लो बस। हाँ किसी की जिंदगी लेकर मैं अपनी जिंदगी नहीं बदलना चाहती मामा। ये 1-2-3 लाख रखिए आप अपनी जेब में, मुझे अपनी जान देकर भी अंजलि दीदी की जान बचानी पड़ी ना तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं उनको अभी जाकर सब कुछ बता दूंगी। नहीं 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 मैं उन्हें नहीं मरने दूंगी, उनकी शादी नहीं होने दूंगी, मैं 90 दिन में नहीं मरने दूंगी उन्हें। नहीं मरने दूंगी उन्हें। पल्लो नहीं नहीं मामा जी। जाओ जाके पल्लू की लाश को टिकाने लगाओ और शादी खत्म होने के पहले आ जाओ। मुझे पता है कि यश अंजलि से सिर्फ 90 दिन के लिए शादी कर रहा है, पर पता नहीं फिर भी मेरा दिल क्यों बैठा जा रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि यश मुझसे दूर जा रहा है। मेरे संपन्न हुए अब सिंदूर की रस्म होगी। मैं सबको सब कुछ बता दूंगी, मैं अंजलि दीदी को नहीं मरने दूंगी। एक अनोखे बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।